उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान हो गया है। परीक्षा अगस्त में 5 दिन 23 से 31 अगस्त तक होगी। जन्माष्टमी के चलते बता दें 4 दिन का गैप भी रखा गया है और वहीं परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को तय की गई है। हर दिन 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे, यानी 10 शिफ्ट में पूरी परीक्षा हो जाएगी। एक शिफ्ट में करीब 5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। पुलिस की यह परीक्षा इसी साल 17 और 18 फरवरी को प्रदेश के 75 जिलों में हुई थी। कई जगह पेपर लीक होने के बाद छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। एसटीएफ जांच में पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद योगी सरकार ने परीक्षा कैंसिल कर दी थी। एग्जाम में करीब 50 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। सीएम योगी ने 6 महीने के अंदर फिर से परीक्षा करने का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा है। इसमें 60,244 सिपाही के पदों को भरा जाना है। एग्जाम के दिन अभ्यर्थियों के लिए बस सेवा फ्री रहेगी। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड दिखाना होगा और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने गुरुवार को परीक्षा का नया टाइम टेबल जारी करते हुए कहा कि इस बार परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए सख्त नियम बनाए हैं। पिछली बार 50 लाख परीक्षार्थियों की परीक्षा 2 दिन में करवाई गई थी, लेकिन इस बार परीक्षा 5 दिनों में कराई जाएगी ताकि अव्यवस्था ना हो और सुरक्षा बनी रहे।